The length of a side of an equilateral triangle is 8 cm. The area of the region lying between the circumference and the inner circle of the triangle. ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें क्या बोलना है? हमें एरिया निकालना है जो इस सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बीच में है. ठीक है, इसका रेडियस कितना है? आर. इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर. तो हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, या फिर क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब ये बेसिकली कितना हो जाएगा? देखिए, ए कितना है? 8. तो कैपिटल आर क्या होता है? ए बाय रूट 3, यानी 8 बाय रूट 3. स्मॉल आर क्या होता है? ए बाय 2 रूट 3, यानी 8 बाय 2 रूट 3. तो हमें चाहिए क्या? पाई 8 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 8 बाय 2 रूट 3 का स्क्वायर. अगर ये विजिबल ना रहा हो, जो मैंने लिखा था, ए है 8, कैपिटल आर ए बाय रूट 3, स्मॉल आर ए बाय 2 रूट 3. ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? पाई 8 का स्क्वायर 64 बाय 3 माइनस 64 बाय 3 इंटू 4. तो इसे लिख लेते हैं पाई इंटू 64 बाय 3 1 माइनस 1 बाय 4, यानी 22 बाय 7 इंटू 64 बाय 3 इंटू 3 बाय 4. 3 से 3 कैंसिल, ये क्या हो गया? 22 बाय 7 इंटू 16. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, थोड़ा आसान कैलकुलेशन करने के लिए, लेट्स राइट इट एट 3 प्लस 1 बाय 7 इंटू 16. ठीक है ना, 22 बाय 7 को लिख दिया 3 प्लस 1 बाय 7, ये कितना हो गया? 48 प्लस 48 बाय 7. ठीक है, 48 प्लस 16 बाय 7, आई एम वेरी सॉरी, प्लस 16 बाय 7, ये क्या हो गया? 2 2 बाय 7. 48 प्लस 2 2 बाय 7, यानी 52 बाय 7. कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज दी आंसर.